सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज आपां बनाउण जा रहे हां दो चीज़ां ना, बहुत ही वधिया पाउडर जिहदे नाल तुहाडा गैस एसिडिटी भी खत्म होगी, तुहाडी कॉन्स्टिपेशन आ उह भी खत्म होगी, जिस नाल तुहानूं तसीर है जिहड़ी उह भी ठंडी मिलेगी, ते इहदे नाल तुहाडा वेट भी बहुत जल्दी 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 लूज़ होगा। ते इहदे वास्ते आपां दो चीज़ां लैणियां, एक लैणी है सौंफ, एक लैणी है सिट्टा मिसरी। एक कप आपां सिट्टा मिसरी दा लैता, दो कप आपां लावांगे फ्रैश सौंफ दे, नवी सौंफ दे, वधिया साफ सुथरी जिहड़ी हुण आई है बाज़ार दे विच, जे तुहाडे कोल घर दी सौंफ उह भी पा सकदे हो। और इस तों बाद आपां इन्नी रेशो लै के इहनूं मिक्सी जार दे विच पा के इहनूं चंगी तरह ग्राइंड कर लैणा, पाउडर फोम दे विच ले आउणा। आह देखो जी किड्डा सोहणा पाउडर बन के तैयार होया। इस नूं तुसीं निघे पानी दे नाल सवेरे सवेरे लै सकदे हो, एक अद्धा चमच लै सकदे हो इहदा तुसीं, इस दे नाल तुहाडा पेट आ बहुत चंगी तरह साफ हो जाऊगा। तो इहनूं स्टोर करके रख सकदे हो तुसीं किसी भी रबड़ दे कच्च दे कंटेनर दे विच लंबे टाइम लई। इस नूं चंगी तरह ढक्कण लगा के तुसीं रख देना। एक रैसपी होर दसन लगी हाँ सौंफ दी, तुसीं जो बरीक सौंफ आपां होटलां दे विच खाना खाण तों बाद खाने उह लैणी है, उहदे विच जो अपने घर सिट्टा मिसरी हुंदी है, मतलब जो आपां लै के आउंदे आ थोड़ी जी मोटी हुंदी है धागे वाली, उस नूं तुसीं बरीक पीसां दे विच कट के तोड़ के इहदे विच मिक्स करके रख लैणा। जे तुहानूं पाउडर लैण दे विच दिक्कत आउंदी है तां तुसीं खाणा खाण तों बाद इस नूं हर डाइट दे बाद सवेरे शाम लै लैणा, ते इहदे नाल तुहानूं बहुत रिलीफ मिलेगा। आई होप तुहानूं मेरी रैसिपी पसंद आई।